जैसा कि आप जानते हैं कि 28 जून 2021 को इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने इंडिया की नई अग्नि पी मिसाइल को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि बालासोर उड़ीसा में है वहां से सक्सेसफुली टेस्ट किया है। अग्नि पी मिसाइल इंडिया की एक नई जनरेशन की न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इस मिसाइल की कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर अग्नि पी मिसाइल के बारे में जानने से पहले बात करते हैं अग्नि सीरीज की मिसाइल की। अग्नि मिसाइल फैमिली इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 1989 में शुरू किए गए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP प्रोजेक्ट का रिजल्ट है। अग्नि मिसाइल फैमिली को इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी के लिए बनाया गया था और ये मिसाइल इंडिया की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी SFC का लैंड बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट है। यानी अग्नि मिसाइल्स ये गारंटी देती है कि अगर चाइना या पाकिस्तान कभी भी इंडिया पर अचानक अटैक करते हैं तो इंडियन न्यूक्लियर वेपन्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए अग्नि मिसाइल को इंडिया की पीस और सिक्योरिटी की गारंटी भी कहते हैं। अभी तक अग्नि मिसाइल्स फैमिली में टोटल 5 मिसाइल्स हैं। नंबर 1, 700 से 1200 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 1 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नंबर 2, 2000 से 3500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नंबर 3, 3000 से 5000 किलोमीटर अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नंबर 4, 3500 से 4000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नंबर 5, 5000 से 8000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 28 जून 2021 को टेस्ट की गई DRDO की लेटेस्ट अग्नि पी अग्नि मिसाइल फैमिली की 6th मिसाइल है, जिसे 1990s में डेवलप की गई अग्नि 1 मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। अग्नि पी इंडिया की नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है और ये 1000 किलोग्राम का पेलोड या न्यूक्लियर वेपन्स लेकर जा सकती है। इस मिसाइल में इंडिया की 4000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल की एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। अगर आप पुरानी अग्नि 1 मिसाइल और अग्नि पी मिसाइल को देखेंगे तो आपको बहुत से डिफरेंस खुद ही समझ में आ जाएंगे। जहां अग्नि 1 एक बहुत लंबी मिसाइल थी और इसका वॉरहेड डार्ट टाइप था, वहीं नई अग्नि पी मिसाइल का वॉरहेड कंपोजिट हीट शील्ड वाला न्यू जनरेशन वॉरहेड है, जो कि अपने ऊपर फायर की जाने वाली किसी भी एयर डिफेंस मिसाइल जैसे कि चाइनीज HQ मिसाइल को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिंगल स्टेज अग्नि 1 में स्टील केसिंग का यूज हुआ था और ये एक बहुत भारी मिसाइल थी। वही नई अग्नि पी मिसाइल के दोनों स्टेजेस में कंपोजिट रॉकेट मोटर्स और कंपोजिट हीट शील्ड्स का यूज हुआ है, जिसके चलते अग्नि पी मिसाइल्स का वेट पुरानी अग्नि 1 मिसाइल से कम है और इसके बाद भी अग्नि पी मिसाइल की रेंज पुरानी अग्नि 1 की 1200 किलोमीटर की रेंज से कहीं ज्यादा है, यानी 2000 किलोमीटर तक है। अग्नि पी एक 2-स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, जिसमें एडवांस्ड रिंग लेजर जायरोस्कोप्स बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स लगा होता है, जिससे इसके नेविगेशन सिस्टम को जैम नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें लगे रिंग लेजर जायरोस्कोप्स अग्नि पी के अंदर लगे एडवांस्ड ऑनबोर्ड मिशन कंप्यूटर को डेटा फीड करता है, जिसके चलते अग्नि पी की एक्यूरेसी किसी भी पाकिस्तानी और चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा होती है। लेकिन अग्नि पी मिसाइल की सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी अमेजिंग मोबिलिटी। एक्चुअली अग्नि पी मिसाइल को DRDO ने एक कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल की तरह से डिजाइन किया है, जिसे इंडियन आर्मी के टाट्रा 816 हाई मोबिलिटी ट्रक पर लगाया जाएगा, जिसे इंडिया की भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बनाती है। टाट्रा 816 ट्रक 10x10 ट्रक होते हैं और ये अग्नि पी मिसाइल को किसी भी जगह लेकर जा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान और चाइना को अग्नि पी मिसाइल की लोकेशन का कभी पता नहीं चलेगा। अग्नि पी मिसाइल की दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है इसका कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम। कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल को लगभग 10 साल तक कोई भी मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है और कभी भी मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर मिलने पर इसे कुछ ही मिनट्स में टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है, जो कि पुरानी अग्नि 1 मिसाइल से बहुत फास्ट है। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अग्नि पी मिसाइल इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिए एक बहुत अच्छा अपग्रेड है, क्योंकि एक कैनिस्टर बेस्ड रोड मोबाइल मिसाइल होने के चलते ये मिसाइल इंडिया के स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूक्लियर मिसाइल प्रूफ होगी। हमें उम्मीद करते हैं कि नई अग्नि पी मिसाइल के 2 से 3 और टेस्ट होंगे और इसके बाद 2025 तक इसे ऑपरेशन सर्विस में शामिल किया जाएगा। आपकी अग्नि पी पर क्या राय है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।